रामगंज मंडी में युवक ने अपने ही मकान में फांसी का फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। गुरुवार को रक्षाबंधन मनाने के लिए परिवार बाहर गया हुआ था, शाम को घर पर आकर देखा तो युवक ने फांसी लगाई हुई है, जिसके बाद में युवक को फंदे से उतारकर सीएचसी के मोर्ची में रखवाया। वहां पर शुक्रवार को मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। सीएम मनोज कुमार ने बताया कि मृतक युवक नवीन कौशिक उम्र 24 साल हाउसिंग बोर्ड निवासी ने अज्ञात कारणों से फांसी लगाकर खुदकुशी की। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची, मृतक ने पंखे पर फंदा लगाया हुआ, जिसका हॉस्पिटल में मर्ग दर्ज कर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। वही अज्ञात कारणों के लेकर पुलिस जांच कर रही है। कल शाम को 6 बजे के लगभग सूचना मिली कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, जिस पर ड्यूटी ऑफिसर राम प्रकाश जी वहाँ गए थे और तो उन्होंने जब तक युवक की डेड बॉडी है वो हॉस्पिटल में ले गए थे। घर वालों ने बताया कि हम लोग रक्षाबंधन के पर्व बाहर गए हुए थे और हम जब घर आए तो हमारे बेटे